इस समय हमारे साथ हैं देवरिया विधानसभा के उपचुनाव के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री वर्मा शंकर त्रिपाठी जी, जो अभी अभी चुनाव की मतगणना के रिजल्ट आने के बाद वो पराजित हुए हैं। त्रिपाठी जी, जो चुनाव का परिणाम आया है, एक चौंकाने वाला आया है, इसको आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं जी? जनता तो हमारे साथ थी, लेकिन शासन का दबाव और सरकार, पूरी सरकार तथा ये जिला प्रशासन और कुछ ईवीएम की वजह से, जैसे कि ईवीएम में 25 राउंड तक ये 1800 समथिंग वोट आया है, ये लगता है कहीं ना कहीं इससे फूटी हुई है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता दिखनी चाहिए इस बाइजले इलेक्शन में, वह कहीं नहीं दिख रहा है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक ईवीएम जीतती रहेगी और जिला प्रशासन शासन के दबाव में, सरकार के दबाव में काम करता रहेगा। क्या इस चुनाव में जो वोटों का बिखराव देखने को चुनाव के पहले लग रहा था, क्या वोटों का बिखराव नहीं हुआ, उसके पीछे वजह क्या रहा? लोगों ने खरीदा ईमान को और सरकार पूरी तरह से लगी हुई थी कि किसी तरह से इस मंडल की सीट को जीत लें और भारतीय जनता पार्टी को जिता दें। अब इसमें जनता ने हमारा भरपूर सहयोग किया, हमारे साथियों ने किया है, कुछ भीतरघात भी हुआ है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताया जाएगा। कहीं न कहीं त्रिपाठी जी, सत्तारूढ़ दल के जो कैंडिडेट थे उनके पक्ष में सीएम, दो दो डिप्टी सीएम, तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम स्टेट मिनिस्टर आकर के कैंपेनिंग कर रहे थे, क्यों नहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आकर के आपके पक्ष में एक हवा बनाए, जनसभा किए? देखिए, उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नहीं आते हैं और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, उन्होंने पूछा भी था और मैंने मना कर दिया था कि जनता यहाँ लड़ रही है, हम चुनाव जीतेंगे अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो। क्या संदेश देना चाहते हैं अब आप जनता को, मतदाताओं को? जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी तो हम इन लोगों के लिए, इस बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के साथ साथ और देवरिया विधानसभा का विकास भी किया जाएगा। ये थे समाजवादी।